हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैंगो की लौंजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये खट्टी, मीठी, तीखी और चटपटी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम आम की लौंजी बनाना शुरू करते हैं। आम की लौंजी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 3 मीडियम साइज आम। तो कहीं पे इसे कच्ची केरी कहते हैं, रो मैंगो या कच्चा आम कहिए। हमने इसके छिलके हटा लिए हैं। 1 पाव हम गुड़ लिए हैं, राई यानी कि मस्टर्ड सीड, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सफेद नमक, ब्लैक नमक, पानी, तेल, जीरा, अजवाइन, मेथी, कलौजी, सौंफ, हींग। तो सबसे पहले हम आम के छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। सबसे पहले हम आम को काटेंगे। तो हम आम को ऐसे रखेंगे और नाइफ से पहले बीच से हम इसे 2 टुकड़ा में काट लेंगे और इसके पतले पतले स्लाइस करने हैं हमें। तो ऐसे हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। आम बड़ी है तो हम इसको ऐसे बीच से 2 टुकड़ा कर लेंगे। तो आपको बड़ा पसंद है तो बड़ा कीजिए, छोटा पसंद है तो छोटा कीजिए। और हम सभी मैंगो को ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो हम ऐसे इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब आम की साइज बड़ी है तो हम इसको बीच से भी 2 टुकड़े में कर लेंगे। और ये बीज के जो सीड है उसे हम निकाल देंगे। इसे निकालना आप मत भूलिएगा, नहीं तो इससे कड़वा टेस्ट आने लगता है। तो हम इसे निकाल देंगे और ऐसे ही हम बाकी के मैंगो भी काट लेंगे। हमने सभी मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हमने एक कढ़ाही लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाही गर्म हो चुकी है। अब हम उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी का दाना, जीरा, अजवाइन, कलौजी, सौंफ का दाना। अब हम सबको अच्छे से गर्म होने देंगे, यानी कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। जलने नहीं देना है इसे, हल्का सा हमें भूनना है। मसाला से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 4 पींच हींग और साथ में अब हम डालेंगे कटी हुई आम। और इसे हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब आप बनाएंगे तो महसूस करेंगे। अब हम साथ में ही डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा बनाना है तो मिर्च की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। हम डालेंगे 1/4 चम्मच सफेद नमक। नमक ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसे हमें मीठा बनाना है। और आधा चम्मच ब्लैक नमक। सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करके
मैंगो को भूनना है। हल्दी मिर्च डालने से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है। मैंगो को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, यानी कि अपने मैंगो डूब जाए इतना ही पानी डालना है। और इसे मिक्स करके हम कवर करेंगे और कवर करके हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि अपनी मैंगो सॉफ्ट हुई है या नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार मैंगो को चेक करेंगे। कवर को हटा लेंगे और मैंगो को चलाते हुए चेक करेंगे, तो हम एक मैंगो का पीस निकाल लेंगे ऐसे और एक चम्मच से हम इसे प्रेस करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंगो अपनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे गुड़ को डालेंगे। तो हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम घुलने देंगे। अब हमें कवर करके नहीं पकाना है, इसे चलाते हुए गुड़ की एक हल्की सी चाशनी तैयार करनी है। तो हम 3 से 4 मिनट तक गुड़ को भी अच्छे से पकाएंगे। और ध्यान से देखिए, लौंजी में अपनी गुड़ जो है वो घुल चुकी है, पर हमें इसे गाढ़ी होने तक पकाना है, तो हम 2-3 मिनट तक चलाते हुए इसे पकाएंगे। आम की लौंजी को हमने चलाते हुए गुड़ के साथ 4 मिनट तक पकाया है, तो हम दिखा दे रहे हैं गुड़ अपनी गाढ़ी हो चुकी है। तो अपनी आम की लौंजी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, फाइनली आम की लौंजी बनकर तैयार है। इसे अब हम सर्व करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं आम की लौंजी की कलर कितनी बढ़िया आई है। इसे हम अब सर्व करेंगे। तो हम एक कांच के बॉल में लौंजी निकाल रहे हैं। आम की लौंजी बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही चटपटी होता है, खट्टी मीठी तीखी नमकीन। तो इस लौंजी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे ठंडा करके आप कांच के बोतल में भर के 8 दिन तक आराम से खा सकते हैं। जब आप ये बनाएंगे इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इसे आप पूरी पराठे रोटी जब चाहें जिसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।